कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो 36 बिरादरी के लिए है, सभी को ध्यान में रख करके किया गया है। पक्की नौकरी देंगे, कच्चे बस वो की नहीं है, टी ग्रुप में लगा दिए, उसमें एचआर में कौशल रोजगार में, कौशल रोजगार नहीं है तो सोशल रोजगार था, इनके लिए हम पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे। ये तो सिर्फ ना कागजी घोषणा करते हैं पत्रकार महोदय, ये दिखावा करते हैं और ये धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज 36 बिरादरी दुखी है इस सरकार से। कांग्रेस पार्टी की तरफ से मैनिफेस्टो घोषित किया गया है और उस मैनिफेस्टो की क्या कुछ खासियत है हमारे साथ चर्चा करने के लिए कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सतबीर दबलान जी अभी मौजूद है। सतबीर जी नमस्कार। नमस्कार जी, बिंदास हरियाणा का नमस्कार। हाँ, जो जो मैनिफेस्टो घोषित किया गया है किस तरह से मानते हैं, किस किस को इससे फायदा होगा? कांग्रेस पार्टी का जो मैनिफेस्टो है वो 36 बिरादरी के लिए है, सभी को ध्यान में रख करके किया गया है। उसमें जैसे किसानों की जो पुरानी मांग थी, जैसे एमएसपी की मांग थी, एमएसपी वो हरियाणा की सरकार बनते ही कांग्रेस के लागू करेंगे। ओपीएस है, ओल्ड पेंशन स्कीम, बहुत पुरानी मांगे हैं हमारे कर्मचारियों की। तो पहली जब कांग्रेस की सरकार बनेगी, पहली कैबिनेट में इसको है ना बहाल करेंगे, 300 यूनिट फ्री देंगे, ये 100-100 गज के गरीबों को प्लाट देंगे और जिसके सर पर छत नहीं है उसको मकान बना के देंगे। 6000 रुपये बुजुर्गों की जो पेंशन है वो देंगे। 25 लाख रुपए जो इलाज होता है वो मुफ्त में इलाज किया। युवाओं के लिए क्या कुछ दिया गया? युवाओं के लिए 2 लाख पक्की नौकरी देंगे, कच्चे बस वो की नहीं है, डी ग्रुप में लगा दिए, उसमें एचआर में कौशल रोजगार में, कौशल रोजगार नहीं है तो शोषण रोजगार था, इनके लिए हम पक्की नौकरी देंगे, 2 लाख युवाओं को नौकरी देंगे, 300 यूनिट बिजली फ्री करेंगे, 500 रुपये का सिलेंडर घंटी बजाएगा ट्रैक्टर वाला ना, आपके घर पे भी तैर के जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, जय हिंद। वहीं अगर हम सतबीर जी, वहीं अगर हम बात चलते चलते बात कर लेते हैं, वहीं अगर हम बात करें आम लोगों की, आम जनता के लिए, तो क्या लगता है आम जनता इस मैनिफेस्टो के पास कितनी खुश महसूस कर रही है? आम जनता ना ये बिल्कुल है ना सभी को देखते हुए मैनिफेस्टो बनाया गया है। ये बात हम इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि नायब सैनी की तरफ से भी बहुत बड़े बड़े वादे किए गए थे, बहुत सारी घोषणाएं की गई थी। ये तो सिर्फ ना कागजी घोषणा करते हैं पत्रकार महोदय, ये दिखावा करते हैं और ये धरातल पर इन्होंने कोई काम नहीं किया। आज 36 बिरादरी दुखी है इस सरकार से। एक बदला तो लोकसभा के चुनाव में ले लिया और अब विधानसभा के चुनाव में ना आप देख लेना, ये जनता है ना, जनता ये दिखाएगी, क्योंकि इन्होंने बहुत बड़े बड़े गड्ढे जो खोदे हुए हैं ना उनका बदलाव लेगी। जो अपने किसानों पर लाठियां बरसाई है ना, मजदूरों पर, किसानों पर, व्यापारियों पर, वो याद है सभी को, जो जख्म आज तक भरे नहीं उस चोट से आने वाले विधानसभा में जनता लेगी। अंतिम अंतिम सवाल, आपको क्या लगता है इस मैनिफेस्टो के बाद आपको या कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों को कितना फायदा होगा? बहुत ज़्यादा फायदा है और सारे ना तालियां बजा रहे थे, आप देख रहे हैं मैं के जब गिनने लग रहा था ना सारे तालियां बजा रहे थे, इसलिए सभी है ना खुश हैं और सभी के लिए खुशहाली लेकर आएंगे। सभी जब चेहरे पर मुस्कान है ना तो आप देख लीजिए भाई, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है। धन्यवाद। बिल्कुल, कांग्रेस आ रही है और बीजेपी जा रही है, तमाम जो बातें हैं वो सतबीर दबलान की तरफ से की जा रही है और इनका साफ तौर से कहना है कि जिस प्रकार से कांग्रेस पार्टी के मैनिफेस्टो में 36 बिरादरी को जगह दी गई है, हर वर्ग को जगह दी गई है, उससे कांग्रेस पार्टी का ग्राफ बहुत ज़्यादा बढ़ा है और यही वजह है कि कांग्रेस पार्टी की सरकार बनेगी। हालांकि क्या कुछ रहेगा ये तो चुनाव परिणाम के बाद ही पता चलेगा। वीडियो समित वासी के साथ अजय लोहान, बिंदास रैना।